Hey guys, welcome back to my channel. This is Lip Forever by Arpita. तो आज के वीडियो का सीन ये है कि मैं अभी बाहर गई थी तो मैंने मेकअप वेयर किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सब लोगों से अपनी मेकअप रूटीन, मेकअप रिमूवल, नाइट, बेसिकली नाइट रूटीन शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि मेकअप काफ़ी देर से वेयर किया हुआ है. लाइक इट्स बीन आई गेस 6 to 7 hours. तो खैर काफ़ी ज़्यादा तो अब उतर भी गया होगा, लेकिन सो आई एम गोना शेयर माय नाइट रूटीन विद यू गाइस. होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल तो थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय ऑन माय चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आई नीड योर सपोर्ट, यू नो दैट. So press the subscribe button and turn it into gray, and also press the bell button to get notified whenever I post my video or pictures. Okay, so I guess let's get started. Garnier micellar water use karungi makeup removal ke liye, because it's good. अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इसके रिव्यू की तो मैं ऊपर आई बटन पे वो अटैच कर दूंगी, आप उधर से देख सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक अ ओके, सो आई एम गोना यूज दिस कॉटन बर्ड एंड आई एम जस्ट रिमूव माय मेकअप विद दिस. इट्स सो रीजनेबल बिकॉज आपकी लिक्विड लिपस्टिक्स, जो मैट लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं वो नहीं होती वन गो में, और आपका आई मेकअप भी नहीं होता. लाइक जो परमानेंट आपके आई लाइनर होता है वो इससे अच्छी तरह रिमूव हो जाता है, जो कि वाइप से बहुत मुश्किल है करना, और वाइप्स आपकी स्किन ड्राई आउट कर देते हैं, क्योंकि इस मसाइलर वाटर में ऑलरेडी ऑयल होता है, तो इस वजह से दिस इज़ द बेस्ट for your skin. और lipsticks के लिए ये सबसे best है, like you can use it. Okay, so but make sure to remove everything from your makeup, from off makeup from your face. Okay, so I guess I will so wash your face, or it's necessary to wash your face after using micellar water or wipes, because it I don't know, but I do because it's convenient for me. So you should also wash your face to go on the next step. So I'm gonna do a quick okay, so I washed my face. You can wash your face with your regular face wash. So okay, I'm next gonna do, I'm gonna use this Freeman cucumber mask. Okay, मैंने ये सर्दियों में summers के लिए bought किया था, और this is the best for summers. Like it refreshes your skin very much. आप like it's a peel off mask basically, but आपकी स्किन में जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो करते वो ये रिमूव कर देता है, और यू विल फील ग्लोई, यू विल फील ग्लोई एट इंस्टेंट. लाइक इट्स सो गुड. सो आई एम गोना पुट इट ऑन माई फेस. वेल दिस इज़ नॉट रेगुलर माई पार्ट ऑफ माई नाइट रूटीन, बट आई वोर मेकअप टूडे और मैं बाहर घूमी हूँ, तो इस वजह से मैं यूज़ करूँगी ताकि मेरी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाए. ओके, सो आई प्रेफर विद फिंगर, क्योंकि इतना इशू नहीं होता, इट्स जस्ट सो क्लियर. ओके, सो आई एम बैक. आई अप्लाइड इट ऑन माई फेस. तो आपको ये वेट करना है 10 to 15 minutes. आई गेस इनफ 10 minutes इज इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ अ मास्क. एंड जब ये ड्राई हो जाए तो आपने पील ऑफ कर लेना है, इट्स दैट सिंपल. तो एंड प्लीज़
फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अगर आपको अपडेट मेरी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी अपडेट होती रहे तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, दिस इज लिप्स फॉर एवर बाय विदा. सो आई विल बी बैक. सो आई एम ओके. सो आई एम बैक. यू कैन फील द डिफरेंस, लाइक इट्स लुकिंग सो फ्रेश. सो मैंने सिर्फ पील ऑफ किया है और उसके बाद अपने फेस वॉश से इसे वॉश कर लिया है फेस को. एंड ओके, सो इससे ये होता है कि आपके जो मेकअप रिमूवर से जो आपकी इम्प्योरिटीज़ नहीं गई होती या कुछ रह जाता है तो इट जस्ट पील इट ऑफ. इट जस्ट दैट सिंपल. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोना यूज दिस हिमानी. आई एम यूजिंग दिस फ्रॉम, इट्स बिन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. This is like the best rose water, so I'm gonna just spray it out on my face. Next one is because my dark circle ball, I'm gonna recommend you this. This is so good. This is basically Pelmar's Cocoa Butter Formula. This is for white circles and dark circles. So ये अगर आपके बहुत ज़्यादा dark circles हैं तो this is the must use for you. So just इसको निकालें और इधर tap it out and then use your finger to smudge it out. क्योंकि इसका वाइट फार्मूला है आई गेस कुछ, तो ये आपको फ़ौरन आपके लाइक आपको फील होगा कि आपके डार्क सर्कल्स थोड़े वाइटन हो गए हैं. आई एम गोना यूज माय फेयर एंड लवली. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इज लाइक नो फेयर एंड लवली डजंट वर्क, बट इट वर्क फॉर माय स्किन. नॉट लाइक फेयरनेस के लिए, लेकिन इट डज. See, you can feel the difference. Okay. And last but not the least, the final step is my lip balm. I'm using Usha's lip balm, food lip balm. This is from Usha's. So I'm going to क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और इट्स गोना बी सो मच ट्राई. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ माई स्किन केयर रूटीन बेसिकली फॉर डेली यूज. सो आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. व्हाट आर यू डूइंग? सो टिल देन बाय बाय. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.